नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये गांव कौन सा है भाई? ये मूर्ता। मूर्ता है बिल्कुल नवागढ़ से पास में है, 6 किलोमीटर आगे। जिला बेमेतरा है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा फार्म है? नवा पोल्ट्री फार्म। आपका नाम सर? जमाल कुरैसी। जमाल कुरैसी जी हमारे साथ हैं, तो चलिए डिटेल पे बात करेंगे, बदक के फार्मिंग की बात करेंगे कि बदक को आप कैसे रख सकते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए समझते हैं बदक के फार्मिंग को। इसको कौन से फार्म में रखते हैं? खुला रखते हैं, खुला रहता है दिन भर। और देसी के फार्म में रहता है जाके कड़कनाथ बटेर, जिसके फार्म में दिखता है खुला रहता है वहाँ चला जाता है। मतलब इसके लिए दूध बहुत है, ये कहीं जा सकता है? ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। खाली ब्रॉयलर में नहीं जाता? ब्रॉयलर में जाता है। ब्रॉयलर में नहीं जाना है, देसी में जाना है तो देसी में चली जाती है, कड़कनाथ में जाना है तो कड़कनाथ में जाती है। ये कौन सी ब्रीड है? ये राजहंस है। राजहंस है? राजहंस है, ओरिजिनल राजहंस है। कितना पीसा है ये? 25 पीसा है अभी मेरे पास। 25 पीसा है आपके पास? आवाज बहुत करती है। एक एक का वजन, अभी नर का जो मेल है उसका वजन 6 किलो है, फीमेल का वजन 4.5 किलो के आसपास है। अच्छा, इस तरीके से। क्या खाती है ये? बाहर घूम घूम के कुछ भी जो मिल जाए इसको, जो मिल जाए वो, जो मिल जाए, कचड़ा गंदगी और मुर्गी का जो बचा हुआ स्टॉल फीड। हाँ, मुर्गी का बचा हुआ जो स्टॉल फीड है, जब मुर्गी के फार्म में जाती है तो खा लेती है? खा लेती है। अच्छा, और जब इधर गई तो इधर खा लेती है ना? तो ये कुछ भी खा लेती हैं जो बचा हुआ है ना? बचा हुआ सब खा लेती है। तो ये तालाब में भी जाती हैं कि? हाँ, तालाब में जाती है ना। तालाब जाती हैं वो। देखने से बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक बदक कितने में बिकता होगा जरा मुझे? एक बदक अभी इसका नागपुर में प्राइस है 4,000-4,500 रुपये का प्राइस है, नागपुर प्राइस। तो इसका चूजा कहाँ से लाया था, कहाँ से मिला था? ये चूजा मैं लाया था, ये लगा था कृषि मेला, वहाँ मैं खरीदा था इसको। कहाँ लगा था कृषि मेला? बेमेतरा में। बेमेतरा में? और बेमेतरा में कृषि मेला लगी तो मैं फ़ोन करे करूँ भाई। हाँ भैया, है नहीं कृषि मेला का? अब तो इस साल मेला का बताया, इस साल तो नहीं हुआ लिया। जब भी बेमेतरा में कृषि मेला लगे तो हमें फोन किया करे, और हमारा कवि सम्मेलन का काम भी है, नवागढ़ में कभी हो तो करा भी ले। जी भैया, ठीक है। तो इसको अभी सेल किए हैं? नहीं किए हैं अभी, नहीं किया हूँ अभी, इस महीने के बाद। हाँ, मतलब जनवरी में अंडा देना चालू स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो इसमें एक जैसे एक अभी कितने कितने महीने का होगा वो? ये सब इसमें करीब छोटा 10 पीस है, 8 महीने का है। हाँ, 7-8 महीने का। हाँ, और बाकी 1.5 साल का है। 1.5 साल का? तो कितना कितना खर्चा करते हैं इसमें? इसमें कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, कितने में बेचते हैं जब बेचते हैं? अभी बिक्री चालू नहीं हुआ है तो ये फरवरी में चालू करूंगा। फिर भी मार्केट पे रेट? मार्केट में कोई क्या, 500 रुपये किलो, 500 या 600 रुपये केजी। अच्छा, तो अच्छा रेट पे? अच्छा रेट जाएगा। अच्छा रेट जाएगा, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अगर कोई और फार्म आप करते हैं, मान लो कड़कनाथ कर रहे हैं, मुर्गी कर रहे हैं, तो इसको जरूर साथ में करें तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि वही खा लेने हैं। या पर्सनली बदक भी करते हैं, द्रुप कोंदल से एक दोस्त है हमारे करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से लाए थे? कृषि मेला से लाए थे। कृषि मेला से लाए थे, ठीक है। ये अभी हम ये कवर, ये कौन सी ब्रीड है भाई? ये जो चौकीदार है, चौकीदार के बारे में समझाओ। ये है, ये मेरा सबसे वफादार है। हाँ, जैक नाम है इसका। हाँ, 6 साल का हो गया है। हाँ, और ये पूरा फार्म की रखवाली यही करता है। यही करता है। ये मुर्गियों के फार्म में भी था? ये मुर्गी फार्म में रहता है, बटेर फार्म में रहता है, बदक फार्म में रहता है। आज से किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा। हाँ, रात में 7 बजे तक किसी का नहीं देगा, 7 बजे के बाद ये किसी का नहीं देता है। हाँ, मतलब सही चौकीदार मिला, ओरिजिनल चौकीदार है। ओके। मैं 5 साल से परेशान था चौकीदार में। हाँ, इसको रखने के बाद मेरी लाइफ बदल गई। लाइफ बदल गई। सबसे ज़्यादा वफादार ये है। हाँ, और ये हमारे फार्म के वर्कर हैं। ये वर्कर क्या क्या नाम है भाई? ये हमारे शंकर है। अच्छा, और ये राम। राम, ये पूरा फार्म इन्हीं की जिम्मेदारी है, पूरा फार्म यही संभालते हैं। दोनों संभालते हैं, राम और शंकर फार्म संभालते हैं। तो भाई और कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है ना भाई, जहाँ राम और शंकर फार्म संभाले। ये देख रहे हैं, ये गजब का है, वेरी गुड। तो ये मुर्गियों को भी नहीं, मरी हुई एक किसी को उठा के नहीं खाता, जब तक इसको खिलाओगे नहीं तब तक नहीं खाएगा ये। तब तक नहीं खाएगा, ओके। अब मुर्गियों के फार्म में गया था तो मैं डर नहीं, गया नहीं था। ये सभी फार्म में घूमते रहता है, मैं जहाँ जाऊँगा, हाँ, खेत में जाऊँगा, खेत में पीछे खिलाएंगे। अच्छा, तो धन्यवाद दोस्तों, ये था बदक के बारे में जानकारी।